क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया एकदम मस्त। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, यही पढ़ रहे थे ना। चलो, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद देखो। तो गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद पढ़े हम लोग। अच्छा, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद में क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग बताओ तो। ध्रुव, वक्रता, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, और क्या क्या पढ़े थे? कुछ भी नहीं। चलो, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक थे बताओ तो। कौन कौन सा टॉपिक था? ध्रुव, वक्रता, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या। पहला पॉइंट क्या था? पॉइंट बता दो मुझे फटाफट। क्या क्या पॉइंट हम लोगों ने लिखा था भाई? क्या क्या लिखा था? ध्रुव लिखा था। पहला पॉइंट था ध्रुव। ध्रुव को क्या कहते हैं भाई? पोल कहते हैं। दूसरा क्या पॉइंट था? वक्रता, केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा क्या था भाई? वक्रता, त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चौथा क्या पढ़े थे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अगला क्या था? दर्पण का द्वारक, यानी अपर्चर ऑफ मिरर। और क्या था? फोकस दूरी। फोकल, फोकस दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल LENGTH। अच्छा, अब बताओ थोड़ा सा कि इन सब को डिनोट किससे किए थे। सबसे पहले गोलीय दर्पण पढ़े थे। गोलीय दर्पण में इन सारे टर्म्स को दर्शाए गए थे पीछे वाले क्लास में, पीछे वाले वीडियो में आप देख लेंगे। क्लियर है ना? अब हम लोगों को इनको कैसे डिनोट करते हैं। तो ध्रुव को किससे डिनोट? वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट किया। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट किया। मुख्य अक्ष को एक्स एक्स डैश से डिनोट किया। चलो, उधर दिखाई दे रहा है ना, कटा नहीं ना है। अब उसके बाद से फिर दर्पण का द्वारक एम एम डैश से डिनोट हुआ था। उसके बाद से फोकस दूरी को एफ से डिनोट किए थे, या इसी को हमने क्या लिखा था? R upon 2 भी लिखा था। इसमें से कितने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा गया था? यानी ध्रुव के बारे में हो गया, वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब मुख्य अक्ष, अगला पॉइंट क्या होगा भाई? मुख्य अक्ष। चलो मेरे साथ, अब कॉपी पेन निकाल लोगे फटाफट और सीधा सीधी हेडिंग डालोगे मुख्य अक्ष। माछी मारना बंद करोगे, मक्खी जो बैठ के मारते हो ना वो बंद करोगे, कॉपी पेन ले लोगे, अपनी किताब खोल लोगे और उससे मैच करना शुरू कर दोगे कि कहाँ से टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। अब जो समझ में आ रहा, मक्खी मारना बंद करो भाई फटाफट। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ये चार नंबर टॉपिक, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुख्य अक्ष क्या है तो देखना। सबसे बड़ी चीज, मुख्य अक्ष क्या है?
ठीक, कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। मिलाने वाली रेखा दर्पण का क्या होती है? मुख्य अक्ष। यानी सीधा सीधी क्या लिखेंगे? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। यानी वह लाइन, लिखना बंद कर दीजिए, पहले समझ लीजिए, स्टॉप द पेन प्लीज। अब देखो, वह लाइन जो दर्पण के पोल से होती हुई वक्रता केंद्र तक जाए, उस लाइन को आप क्या कहोगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहोगे। जैसे बाबू देखोगे सबसे पहले कि उस दिन हम लोगों ने दर्पण बनाने का प्रयास किया था, ऐसे थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए, ये गोलीय दर्पण बन गया, बना, इसको हम लोगों ने फिल कर लिया, चलो ये फिल हो गया। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ लेकर आए और इसमें हमने बताया था कि दो तरह के दर्पण बनेंगे। कितने तरह के दर्पण बनेंगे? दो तरह के। अब देखो कौन कौन से दर्पण बनते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको अंदर के तरफ से पेंटिंग करते हैं, अंदर के तरफ से पेंटिंग करते हैं। ये पेंटिंग दिखाई दे रहा? बिल्कुल। तो ये अंदर के तरफ से हमने पेंटिंग किया, चलो यहाँ पेंटिंग दिखाई दे रही है। तो ये जो हमने अंदर के तरफ से पेंटिंग किया वह यहाँ किया, हो गया। अब इसका जो ए हो गया, इस दर्पण जो यहाँ दर्पण प्राप्त हुआ, इस दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो गया, हुआ ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया इधर। अब जरा ध्यान देना कि यह जो दर्पण है यहाँ से और यहाँ तक, तो एम और एम डैश, तो एम डैश और एम, क्लियर है ना। अब यह जो दर्पण बना, इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ है, परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम? उत्तल दर्पण कहेंगे ना, उत्तल दर्पण। यानी क्या बना? कॉनकेव मिरर। अब इसी में हम दूसरा कोई दर्पण बनाते हैं और इस दर्पण में हम बाहर के तरफ से कलई करते हैं। कहाँ से कलई करते हैं? बाहर के तरफ से हमने पेंटिंग किया, इसमें दिखाई दे रहा। अच्छा, उत्तल को कन्वेक्स बोलते हैं, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका। थोड़ा सा मिरर का एरर हो गया, ठीक है। किस क्या हुआ? मिरर का एरर हो गया, तो कन्वेक्स कहते हैं। चलो अब देखो, तो बाबू, तो अब यहाँ जो तुम्हें दिखाई दे रहा, हमने पेंटिंग इधर किया, तो जो इसकी परावर्तक सतह है वो अंदर के तरफ धंसी हुई है ना, परावर्तक सतह अंदर के तरफ, तो परावर्तक सतह अंदर हो जाएगी,
इधर होगी ना, होगी कि नहीं होगी? एक क्या दिखाई जा रहा है, परावर्तक सतह। अब यहाँ बीच में देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ सी है, लेकिन थोड़ा सा देखोगे, बातें बंद करो रे बच्चा पार्टी, बातें बंद करो। ए जो है मिरर का पोल है, यहाँ भी मिरर का, इसको क्या कहा गया था, पी कहा गया था, क्या कहा गया था, पी। क्लियर है ना, एनी प्रॉब्लम? अब इसको देखो तो इसे भी पी कहा गया था। अब कहता है कि वह लाइन जो इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है, उस लाइन को क्या कहोगे, प्रिंसिपल। ये लाइनवा क्या है बाबू, यही मुख्य अक्ष है। अंतर समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आया नहीं आया? एन छूट गया तीनों जगह। अच्छा, एन छूट गया है। ओह माय गॉड, आप लोग भी ना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि हम आप लोगों को क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना लेट बताते हैं, आप लोग इतना लेट बताते हैं। अब कहाँ छूटा है बाबू, ऊपर छूट गया है। अब अभी कहाँ से हम सुधारेंगे इसको, और ए भी गलत है, यहाँ प्रिंसिपल कर लीजिएगा और नीचे वाले को प्रिंसिपल कर देते हैं। चलो प्रिंसिपल सुधार लेना भाई लोग, ठीक है? देखो फिर गया ना, तो PRINCIPLEXIS वाओ, हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस को प्रधान अक्ष कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है, इसका दूसरा नाम होगा। तो सीधा सीधी लिखेंगे बाबू मेरे गांव वाले, प्रिंसिपल एक्सिस को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया, यानी हिंदी में नाम दो है, इंग्लिश में नाम एक ही है, अब तो समझ में आ रहा है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं समझे, समझ गए पक्का? अगले टॉपिक की तरफ मूव करें, प्रिंसिपल एक्सिस भी क्लियर कर लिया हम लोग। गांव वाले दर्पण का द्वारक देखियो, क्या देखना है, दर्पण का द्वारक। चलो दर्पण का दर्पण का द्वारक, अपार्चर ऑफ द मिरर, अपार्चर ऑफ द MIRROR। अब देखो दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, ठीक है, दर्पण का द्वारक देखोगे कि दर्पण चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब एक दर्पण ले लिया, और दर्पण का वह भाग जहाँ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो, प्रकाश की किरणें जाएं टकराकर वापस आएं, उस भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो दर्पण के जिस भाग से किरणों का परावर्तन होता है उस भाग को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब तो समझ में आ रहा है ना, तो हाँ सेद, सेद, सांद बेटे, चलो सांद बेटो, तुम्हारे लिए अब दर्पण का द्वारक, तो लिखना दर्पण के जिस भाग से, दर्पण के जिस भाग से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता, प्रकाश की
किरणों का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जिस एरिया से, समझ में आ रहा है ना, प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखेंगे द एरिया, एरिया ठीक है ना, ऑफ द मिरर, द एरिया ऑफ द फ्रॉम वेयर, वेयर या फ्रॉम विच लिख दो और अच्छा लगने लगेगा हमें, फ्रॉम विच मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट्स, मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट इज नोन एज अपार्चर ऑफ द, अपार्चर ऑफ द मिरर, यानी जिस पार्ट से किरणों का परावर्तन हो जाए। अब देखो हमारे पास एक मिरर हो गया, ठीक है, इस मिरर में हमने पीछे के तरफ से क्या किया, हाँ एकदम 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 सिल्वर का कोटिंग चढ़ाया, सिल्वर कोटेड किया, समझ में आ रहा है ना। जब सिल्वर कोटेड हुआ तो प्रकाश की किरणों का परावर्तन इधर से हो पाएगा, नहीं होगा, इधर से नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो प्रकाश की किरणों का परावर्तन इधर से होगा, और एक किरण जब इधर आएगी तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस चली जाएगी, ये आएगी तो ऐसे जाएगी। अब इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अगर किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से होकर गुजरती हैं। फिर एक दूसरी किरण, ध्यान देना मेरे गांव वाले, एक दूसरी किरण यहां से आई तो यह भी परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। तो ये आने वाली किरणें हैं और ये जाने वाली किरण है, इधर भी ये कौन सी किरण है, जाने वाली, एक किरण आने वाली, ठीक है, एक किरण जाने वाली। अब तो समझ में आ रहा है ना, इधर ये भी किरण क्या है, जाने वाली है, समझ में आ रहा है ना, एक किरणें जाने वाली है, अब तो समझ में आ रहा है ना, आने वाली किरणें और जाने वाली किरण, अब तो बात समझ में आ रहा ना। यह जो पॉइंट होता है यह क्या होता है, फोकस, यहाँ जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं, और यहाँ जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं। अब दर्पण का द्वारक, तो कहने का अर्थ है कि यहाँ कोई किरण आएगी तो उसका परावर्तन नहीं होगा, होगा उसका भी परावर्तन होगा, और यहाँ कोई किरण आएगी तो उसका परावर्तन नहीं होगा, होगा भाई, समझ में आ रहा है ना। तो अब अर्थात क्या समझ में आया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दर्पण का क्या है, द्वारक है, ये दर्पण का जितने भाग से प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, नोट डाउन प्लीज। अच्छा पीछे कर दें, पीछे का नहीं लिखे थे, ठीक है भाई पीछे पॉज करके लिखिए, वीडियो पॉज करके पीछे का लिखिए, फटाफट पीछे का लिख लीजिए भाई लोग। चलो इसको उतार लिया, पक्का, अब देखो आगे बढ़ते हम लोग। तो यानी यहाँ आपको देखने को क्या मिला, क्या हो गया, कहाँ है सर ये, हाँ प्रॉब्लम्स क्या है बताओ, प्रॉब्लम क्या है, अब उठा क्लास में तो बारी फेंक देंगे, चट्टा कहेगा दांत मोची डरता है, ऐसा पड़ेगा नहीं। चलो अब देखो इधर,
यहाँ जो आपको देखने को मिला एम और एम डैश, तो दर्पण का द्वारक कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? दर्पण का द्वारक बराबर एम एम डैश बताओगे। अब तो समझ में आ रहा है ना, एम एम डैश बताओगे, एम एम डैश बताओगे ना? बिल्कुल ना, फैन चालू नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। दर्पण का द्वारक हो गया। अब अगला टॉपिक क्या बचा है बता दो जल्दी से, जल्दी से बताओ। फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी, दूरी। चलो फोकस दूरी लिखो, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अगला टॉपिक है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या लिखना है बाबू? फोकस दूरी, फोकल लेंथ। चलो फोकल लेंथ, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को, वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी, आधी दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी क्या कहलाती है भाई? फोकस दूरी कहलाती है ना। आधी दूरी फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, यानी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज द हाफ लेंथ ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो अगर फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हो तो एफ बराबर क्या मिलेगा? वक्रता त्रिज्या बाय टू, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय टू कर लोगे। अब तो समझ में आ रहा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई टू। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो आर बाई क्या मिलेगा आपको? टू। आर बाई क्या मिलेगा? टू मिलेगा। क्लियर है? आर बाई टू मिलेगा, कोई दिक्कत? चलो आप चालू कर लो आप लोग, आर बाई टू मिलेगा। फोकस दूरी समझ में गए? नहीं, लाइट नहीं आया भाई। तो फोकस दूरी समझ में आया? वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब इसका उल्टा अगर बनाना चाहो तो उल्टा क्या बनाओगे? जरा सोचो उल्टा क्या बनाओगे। तो उल्टा बनाओगे कि और में कि अगर वक्रता त्रिज्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करना है, तो दू गुणे फोकस, या और में इसी को फोकस दूरी लिख लेना। क्या लिख लेना? फोकस दूरी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू टू इंटू एफ ओ सी यू एस ई, फोकस और फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कर लोगे। करोगे कि नहीं करोगे? कर सकते हो? यानी आर इक्वल टू टू एफ, आर इक्वल टू टू एफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना कर सकते हैं हम लोग पक्का? इतनी बात समझ में गई? कोई दिक्कत है? सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन प्लीज। हो गया? जल्दी करो। बोलिए बोलिए बोलिए, हो गया पक्का? जल्दी करिए। हो गया सर, हो गया।
चलिए हो गया, जल्दी करिए। चलो अब अगला देखो तो टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हम लोग हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण का फोकस, क्या डालेंगे, अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब इसका डेफिनेशन बनाएंगे तो कहता है कि अवतल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। देखो पहले डिफिनीशन के अनुसार सबसे पहले समझो भाई कि एक अवतल दर्पण बनाओ, क्या बनाओ, अवतल दर्पण। तो ए बात, ए दर्पण हो गया तुम्हारा अवतल, ए दर्पण क्या हो गया अवतल, और इस दर्पण में तूने क्या करा भाई, इधर से पेंटिंग कर दिया, सिल्वर कोटिंग, सिल्वर कोटिंग किया। अब इस सिल्वर कोटिंग में जरा ध्यान देना, सिल्वर कोटिंग में जरा सा ध्यान देना, जरा सा ध्यान देना सिल्वर कोटेड में, कि इस सिल्वर कोटेड में हम कर क्या रहे हैं कि प्रकाश की कुछ किरणों को एक मुख्य अक्ष बना दे रहे हैं। पहले तो मुख्य अक्ष, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया भाई, समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पोल हो गया पी, यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं ना, ध्रुव लिख सकते हैं। अब समझो कि इसमें, इस दर्पण में, इस दर्पण में यहाँ जो चीज बनी है M और M डैश है, अब तो समझ में आ रहा ना। अब कहता है कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, एक किरण समानांतर आई इसके, ठीक है, एक किरण समांतर आई, तो समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, अब तो समझ में आ रहा है ना। फिर कोई तीसरी किरण आई, कोई तीसरी किरण आई और यहाँ से चली गई। अब देखो इन तीनों किरणों को हम अलग अलग कलर से कर देते हैं, अलग अलग कलर से करते हैं, ठीक है। इसका कलर हमने ए ले लिया। अब ये जो जाने वाली किरण है ए, दूसरी जो किरण है वो यहाँ है, इसका कलर हमने ए कर दिया। अब तो समझ में आ रहा है ना। तीसरी जो किरण है उसका कलर हम और कुछ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी किरण को हमने इस कलर से कर दिया और तीसरी किरण को हमने इस कलर से कर दिया। देखो तीनों किरणें जहां एक पॉइंट में मिली है, मिली है ना, तीनों किरणें एक पॉइंट में मिली है। फिर इधर से वही काम हम नीचे से कर रहे हैं, वही काम नीचे से। अब देखो प्रकाश की किरणें इधर हम यहाँ तक साफ कर देते हैं, अब समझ में आ रहा है ना। यहाँ से एक किरण जा रही है तो परावर्तन के बाद यहाँ मिलेगी, फिर कोई दूसरी किरण लेते हैं, दूसरी किरण लेते हैं, ठीक है। ये सब जाने वाली किरण है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, कोई दूसरी किरण लेते हैं हम, एक किरण गई,
और परावर्तन के बाद यहाँ मिल रही है ना, परावर्तन के बाद यहाँ मिल रही, अंतर समझ में आ रहा, परावर्तन के बाद यहाँ मिल रही है। अब देखो भाई, ये भी जा रही है और इधर से अब इधर जा रही है, कोई तीसरी किरण लेते हैं हम, तीसरी किरण, और तीसरी किरण समतल दर्पण के साथ गई और दर्पण से परावर्तन के बाद इधर आ गई, दर्पण से परावर्तन के बाद इधर आ गई, समझ में आ रहा, ये जाने वाली किरण और ये आने वाली, यानी ये सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिली वह बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का, दर्पण का फोकस कहलाता है। अब तो समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो भाई, कहने का अर्थ है कि अवतल दर्पण का फोकस, अब डिफिनीशन बनेगा, अवतल दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, फोकस उसके मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं, परावर्तन के बाद मिलती हैं। अब समझ में आ रहा है ना। यानी अब कोई आपसे पूछे कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है, तो आप क्या बताओगे कि उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से उसके समांतर किरणें आ रहेंगी, पैरेलल रेज आएंगी और दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं, दर्पण के से परावर्तन के बाद मिलती हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी किरणें आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, कौन रे, इंसी रे, ये भी नीचे वाली तीन लाइनें इंसिडेंट रे, आई आर, आई आर इंसिडेंट रे। अब तो समझ में आ रहा है ना, ये भी तीनों किरण आई आर इंसिडेंट रे। अब सुनो, यहाँ जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट क्या भाई, फोकस है, और ये लाइन जो है वो क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है। बहुत बीच वाले लोग डिस्टर्ब हैं, बहुत बतिया रहे हो आप लोग, इतनी बातें करोगे तो इन बातों की यादाओं पे हम फिदा हो जाएंगे भाई, शांति से माहौल बनाओ, पढ़ने वाला यार पढ़ा तो रहे। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, अब इसको इंग्लिश में कर लो भाई, इसको इंग्लिश में, द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, क्लियर है ना, फ्रॉम वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज, रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट
आर नीट एंड एंड दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू टू प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया भाई इंग्लिश में, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? अब चलो थोड़ा सा ध्यान देना, अरे मेरे गांव वाले शांति से बैठो, थोड़ा सा ध्यान दो कि अब मेरी एक बात है आपसे, मेरी तनिक सी गुजारिश है, इस गुजारिश को देख लो कि अब यहाँ एक दूरी बन रही है। एक कौन सी दूरी है भाई? पी एफ। कौन सी दूरी है? पी एफ। तो पी एफ बराबर क्या होगा? फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी होगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो? फोकल, एल ई एन जी टी एच कहते हो, फोकल लेंथ कहते हो। पी एफ बराबर फोकस दूरी, और इस फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हो? स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। इस फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हो? स्मॉल एफ से। अब तो समझ में आ रहा है ना? यही अगर कोई आपसे अब हम पूछे कि उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ है, कोई पूछे कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या है, तो क्या बताओगे? अब अगला टॉपिक तो हेडिंग डालोगे पहले, उत्तल दर्पण का फोकस। जाए सुनो 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 गांव वाले, लिखना मना है, बिल्कुल लिखना मना है। उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस, ठीक है? इंग्लिश में फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, वही करना कुछ नहीं है। यहां देखो दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिल रही है, दिखाई दे रहा है ना? मिल रही है, लेकिन यहां मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हम कुछ नहीं लिखने का बहुत कम प्रयास करेंगे, जो एडिट करने लायक है बस उसको एडिट कर देते हैं और समझा देते हैं आपको, ठीक है? क्या हो गया? कुछ नहीं। ये देखो अब उत्तल नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है? अवतल लिखना है। क्या लिखना है? अवतल लिखना है। तो अवतल को क्या बनाना है? उत्तल बनाना है। क्या बनाना है? उत्तल बनाना है। तो उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस, उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं भाई, ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी इमेजिन करेंगे हम, क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे, वास्तव में यहां मिल जा रही हैं लेकिन इस कहानी में नहीं मिलेंगी। अब तो समझ में आ रहा है ना? इस कहानी में नहीं मिलेंगी, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो जैसे देख लो भाई, इंग्लिश भी वही कॉपी कर लो, यहीं से उठाओ, और कुछ नहीं करना है। और फिगर ड्रॉ करना है पहले तो, पहले तो, पहले तो। चलो देखो तो, द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कौन मिरर? कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू मीट, रेज आर अपीयर टू मीट, रेज आर अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट एंड अपीयर टू मीट एंड दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अब इसको देखो बाबू मेरे, थोड़ा सा ध्यान दे रहा, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट मारता हूँ, इसको क्या करता हूँ? डिलीट कर देता हूँ,
क्योंकि आप समझते हो इधर लिख देंगे और इसको ऊपर लेकर चल के फिगर यहीं समझा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे भाई, बहुत प्यारा सा टॉपिक चल रही हो, दिख रहा है ना। और इसको क्या कहते हो, एफ कहते हो, क्या कहते हो, एफ। अब सुनो, पहले तो एक उत्तल दर्पण बनाओ। क्या बनाओगे? उत्तल दर्पण बनाओगे। देखो यहाँ हमने उत्तल दर्पण बनाई दियो। देखो ये जो दिखाई दे रहा है, हमने इधर सिल्वर कोटिंग किया पिंक कलर से। कौन से कलर से? ये पिंकी दिखाई दे रही है आप लोगों को, हाँ हाँ पिंकी दिख रही है ना। और कुछ तुमने जिंदगी में नहीं दिखेगा, बस पिंकी को ही देखना और उसी को देख के मुस्कुराना। तो देखो ये पिंकी दिख रही है, चलो अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। इस पिंकी का क्या बनाओ, एक सीमा रेखा बनाओ जहां से वो तुमसे मिलेगी, वरना सीमा रेखा फ्लॉप हुआ, पिंकी फ्लॉप हो जाएगी। और ए पी हो गया। अब तो समझ में आ रहा है, देखो कितना मुस्कुरा रहा है पिंकी का नाम सुन के। कुछ तो प्रॉब्लम है पिंकी में, नहीं पिंकी में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे सोच में प्रॉब्लम है बेटा। अब देखो ए यहां से किरण आई, अच्छा किरण भी आ रही है पिंकी के साथ, वाह क्या बात है। सब प्रॉब्लम्स तो यहीं फिजिक्स में ही आ गया यार, किरणी आ रही है, पिंकिया आ रही है, वाह। अब देखो ए अब इधर चली जाएगी, समझ में आ रहा है ना, ए आपतित और इधर से किरण जापतित, पिंकी से मिली और चली गई, कुछ कही नहीं तेरे बारे में, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं कह रही है। दूसरी को देख ले, दूसरी किरणी आ रही है भाई, और ये पिंकी से मिल रही है और फिर इधर चली गई, समझ में आ रहा है ना, फिर ए इधर चली आई भाई, ये भी कुछ कही नहीं है उससे, वो भी चली गई, यानी कुछ तो प्रॉब्लम है, कारनामा तेरा बड़ा है भाई। आगे देख, फिर तीसरी, तीसरी वाली को देखना भाई, तीसरी वाली को देखो, ए तीसरी वाली भी इधर से आई, पिंकी से मिली और चली गई, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब पिंकी एक लोचा जोड़ने का काम करेगी, क्या करेगी, यहां से इसको पीछे के तरफ बढ़ाएं, इसको भी पीछे के तरफ बढ़ाएं, इसको भी पीछे के तरफ बढ़ाएं, तो अपीयर टू मीट हो रहा है ना, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, पक्का पक्का हो रही है ना, मिलती हुई प्रतीत पक्का दिखाई दे रहा है ना। यानी इसको हम यहाँ करें और दूसरी वाली को मैं यहाँ करूँ और तीसरी वाली को भी यहाँ करूँ, तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वही सेम कहानी, सेम कहानी नीचे भी होगा कि नहीं होगा, यानी किरण आएगी इधर आ गई, किरण आएगी इधर आ गई ना, ये सारी किरणें वापस चली जा रही हैं, तो क्या मैं इसको पीछे की तरह बढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ मिलेगी ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यहाँ जितनी रेज ऑफ लाइट है, रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, अपीयर टू मीट एट पॉइंट पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, यानी ए मिलती हुई प्रतीत हो रही है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई, तो किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, समझ में आ रहा है ना, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखो ये तो भाग रहा है यार, मिलती हुई प्रतीत
प्रतीत हो रही हैं। ऐसा समझ लेना रे, इसी में हिंदी लिख दिया, इसी में इंग्लिश लिख दिया, चलो इंग्लिश को ही थोड़ा नीचे कर देते हैं। साफ हो गया, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब इसलिए यह क्या हुआ, फोकस हुआ, किसका फोकस हुआ, कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर का। और ये कन्वेक्स मिरर क्या है, एम और एम डैश है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। और इसके भी फोकस को किससे डिनोट करोगे, एफ से, किससे डिनोट करोगे, एफ से, कोई दिक्कत। इसके भी फोकस को किससे डिनोट करोगे, एफ से, कोई दिक्कत। चो सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन प्लीज, समझ में आ पाते हैं, कोई दिक्कत। हो गया बाबू, अब अगले क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग कुछ नोट लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ और आर में कुछ रिलेशन बनता है, जो भी पढ़कर आए हो, एफ इक्वल टू आर अपन टू पढ़ के आओ ना, तो उस रिलेशन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और यूं ही पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहें। और थोड़ा सा एक काम बताएं, हाँ, बहुत बेकार हो आप लोग, कारण थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अब तो समझ में आया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बाकी आप लोग अच्छे हो यार।